गाइस वेलकम टू माय अतरंगी ब्लॉग्स। तो आज है नेक्स्ट डे, होली का दूसरा दिन। बाबू चले गए हैं गांव, जो कि आने वाले हैं 2 दिन बाद। उनको जाना है राजा के भी घर, मतलब मेरी डेढ़ सास के घर, उनकी बड़ी बहन के घर। तो इसलिए वो 2 दिन बाद आने वाले हैं। तो अभी हम लोग घर पे माँ बेटी अकेले हैं। तभी मैं सोना के लिए बना रही हूँ चाय। एंड दिन भर उतना कुछ खास करने के लिए है नहीं, और ज़्यादा ब्लॉग मैं बना नहीं पाऊंगी क्योंकि यहाँ सामने डीजे लग रहा है जो कि पूरे दिन बजने वाला है, और उससे आप लोगों को आवाज़ तो आएगी मेरी, लेकिन मेरी वीडियो को कॉपीराइट आ जाएगा गानों की वजह से। तो थोड़ा बहुत जो भी वीडियोज़ बना पाऊंगी आज दिन भर पर वो मैं बनाऊंगी। बाकी आगे जो भी रूटीन रहेगा वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत कुछ है इस व्लॉग में, तो प्लीज़ लास्ट तक के व्लॉग देखिएगा। एंड हाँ, ये बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी कि कल रात को सोना नाली पे गिर गई और मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि सोना एकदम भड़ाम से नाली के अंदर गिर गया, फिर उसको निकाली, फिर पूरे कपड़े वपड़े निकाल के उसके मैंने वहीं पर फेंके। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से साबुन से पूरा सर से पाँव तक नहलाया। उसके बाद पाक पानी नहला करके उसको फिर मैंने घर पर लेकर के आया, क्योंकि मैं अम्मा के घर उसको बैठाने के लिए लेके गई थी और वहाँ खेलते खेलते सोना नाली पे गिर गई थी। एंड अभी सुबह से इन लोगों की मस्ती चल रही है, वो आप लोग देखिए, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ बन रहा है पराठा चाय, ये बच्चा पार्टी के लिए। और यहाँ बच्चा पार्टी मॉर्निंग मॉर्निंग में खेल रहा है खिलौना। हर्षू जाने वाला है भोपाल। कहाँ जा रहा है हर्षू? क्यों इधर देख के बोलो, दादी को लेने जा रहे हो? कब आओगे? एक दो महीने दुकान बंद होगी तो हमारा क्या होगा हर्षू? तो मैं तो नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश। ये लोगों की जो मस्ती है वो हो रही है, ये लोगों को मैं जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह बना करके दे देती हूँ। उसके बाद ये लोग के नाश्ता करने के बाद मैं सोना को सुलाऊंगी। उसके बाद मैं, आज से मेरे थोड़े बैड डेज चालू हो गए हैं, थोड़ा मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, गर्ल्स प्रॉब्लम पीरियड्स वाली। तो पीरियड जब तक ख़त्म नहीं होंगे मैं अभी रोज़े नहीं रहूँगी। ये रोज़े मेरे को ईद के बाद पूरे करने होंगे, पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, रमज़ान का महीना चलता रहता है तो रख लेते हैं रोज़े, और जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है फिर ये काम में फंस गए, वो काम में फंस गए, तो नहीं हो पाता। बट मैं कोशिश करूँगी जितने रोज़े अभी छूट रहे हैं मेरे, वो ईद के बाद पूरे हो जाए। क्योंकि देखते ही देखते इतने सारे रोज़े कम्प्लीट हो गए, पता ही नहीं चला है कि सेकेंड जुम्मा भी चला गया। तो मतलब जितना रमज़ान के आने की खुशी होती है ना, उतना ही ज़्यादा दुख होता है रमज़ान के जाने का, क्योंकि रमज़ान से अच्छा महीना पूरे साल भर में कोई नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी जल्दी अपना काम वाम समेट लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ा सा रेडी वेडी होके। सोना पता कान टूट गया सागर आचा, कान टूट गया। गाइस तो आज है सेकेंड डे। कल का पूरा दिन हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया, माँ बेटी एकदम आराम से सोए थे, पूरा दिन हमने नींद पूरी की। एंड बहुत ज़्यादा डीजे जो बज रहा था बाहर में, तो इसलिए हमने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बता दी थी। तो आज है नेक्स्ट डे और बाबू आ चुके हैं, और बाबू एकदम थक गए। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी जिसके कारण से अभी घर आते ही बाबू एकदम लेट गए हैं। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ लाइट ऑफ करके है, और जो भी रोशनी आ रही है वो खिड़कियों से आ रही है। तो अभी बाबू आराम कर रहे हैं। क्यों बाबू थक गए? बहुत ज़्यादा धूप थी बाहर। कितना धूप था? और गांव में मज़ा आया होली खेल के? सब दोस्त लोग से मिले? आधे लोग से मिले, आधे लोग आए नहीं थे। आधे लोग आए नहीं थे क्यों? अच्छा, सब कमाने निकल गए। गाइस आजकल गांव में कोई रहते नहीं है, सब बाहर निकल चुके हैं। त्योहारों पे जिसको टाइम मिलता है, छुट्टियां मिलती है तो आ जाते हैं, वरना फिर बेचारे अपने जहां हैं वहीं पे ही त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। सो बाबू आ गए हैं फाइनली। तो अभी मैं जा रही हूँ, आज इनकी ड्यूटी है, छुट्टी नहीं है, तो मेरे को टिफिन तैयार करना पड़ेगा और थोड़े बहुत कुछ काम है वो कम्प्लीट कर लेती हूँ। रील्स वगैरह मैंने बनाई उसको अपलोड कर लेती हूँ। अभी रूम थोड़ा चिल्ड है तो आके थोड़ा आराम कर रहे हैं, उसके बाद आगे की ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहेगी। थोड़ा सा हम लोग मियाँ बीबी का भी टाइम स्पेंड कर ले, मिल लूँ, 2 दिन बाद आए हैं। क्यों बाबू होली कैसी रही? बढ़िया था। मज़ा आया? कितना मज़ा आया? थोड़ा सा एक्स मिली थी क्या वहाँ?
था जीजी अप्पा और उसकी मम्मी को खाना था बिरयानी, तो हमने दोनों के लिए मंगा लिया है स्विगी से बिरयानी और काड़ी। सोना के पापा चले गए हैं ड्यूटी और हम माँ बेटी खाएंगे बिरयानी और काड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन हो रहा था बिरयानी खाने का। सो अभी हम करते हैं डिनर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यम्मी वाओ सोना, सोना का फेवरेट जीजी ना सोना, या इधर तो देख लो कैसा है, इधर देख के बताओ ना वीडियो में कैसा है, अच्छा है। अरे वाह, ओके। हाय गाइस, अभी हम लोग अच्छा अच्छा खाए पिए सो गए, मोबाइल हाथ में था मेरे, स्क्रॉल करते 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 बहुत सारा मैं फिलिस्तीन गाजा का वीडियो देखते देखते मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो रहा, मेरा आंसू ही नहीं रुक रहा। पता नहीं जितने लोग भी अपना वीडियो देखते हैं, तो मैं सोची कि मैं उसको बोलूं, इस पर मैं अपने वीडियो पे भी डालूं, ताकि लोगों को मेरी वीडियो के ज़रिए भी जिनको नहीं पता उनको पता चले जो हो रहा है वहाँ पे, जंग हो रही है और उन लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोग खाने के लिए बहुत आज हो गए और हम लोग यहाँ सब कुछ है फिर भी से एहसान फरामोश बोलते ना अल्लाह के, कि इतना सब कुछ दिए उसके बावजूद हम लोग, मैं कभी नहीं रोई इतना, कोई वीडियो देख के या कुछ भी हो जाए कभी मैं नहीं रोती, लेकिन इतना सारा जब वीडियो वहाँ का देख रही हूँ ना, आप लोग भी देखोगे तो रोना हो आ जाएगा। मैं थोड़ा एक दो क्लिप यहाँ पे लगाओगी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बस। जो जो वीडियो शेयर कर सकते हैं, जहाँ स्कैन कर सकते हैं सही जगहों पर, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके, तो आप लोग भी करो, वैसे जो हो पाएगा मैं भी करूँगी इंशाल्लाह। और बोलते ना हर टाइम जो अल्लाह ताला सब पर शिकायत करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हम लोगों के पास वो नहीं है, हम लोग इतना गरीबी देखे, हम लोग जितना गरीबी भी देख रहे ना उससे भी बहुत नीचे स्तर पे वो लोग दुख झेल रहे हैं अभी। मेरे को मेरी नींद ही उड़ गई, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मतलब मेरे दिमाग में एकदम अचानक से ना अजीब सा हो गया, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बस उस चीज़ के बारे में मैं वीडियो के द्वारा बात करना चाह रही थी, कि जब भी मेरा वीडियो जितने लोग भी देखते वो लोगों को भी पता चले, और प्लीज़ अपने अपने नमाज़ों में दुआ करो, जितने मुस्लिम हैं जिन लोग को पता है वो सब तो कर ही रहे होंगे, पर जितने नॉन मुस्लिम से भी है ना, वो सारे लोग अपने अपने भगवान से अपने अपने अल्लाह ताला से, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन हर धर्म के लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ करो वहाँ के लोगों के लिए। हिंदू मुस्लिम भाड़ पे जाए यार, छोटे छोटे बच्चे लोग, उन लोग के लिए प्लीज़ दुआ करो। हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हमारे तो कोई औकात ही नहीं, फिर भी हम दुआ करें कि क्या पता कौन सी चीज़ अल्लाह को अच्छी लग जाए और दुआ कबूल हो जाए। मतलब बोल सच बोलते हैं, जब तक आप खुद एक माँ नहीं बनते हो ना, बच्चे खुद जब सोच रही हो कि काश वहाँ पे हमारा बच्चा होता, या ठीक है अभी हमारे बेटी है थोड़ी छोटी, थोड़ा सा कुछ के लिए रोती है, तो हम लोग को लगता है अरे यार लेके दे दो, क्या है बच्चा जीत कर रहा है, जो चीज़ हमको नहीं मिली है या जो चीज़ हमारे टाइम पे माशाल्लाह हमारे माँ बाप जितना नहीं हो सकता तो उससे बढ़ के किए, लेकिन अपन ये सोचते ना कि हम और अच्छी परवरिश अपने बच्चे को दे सके कर सके, और अपन उतना अच्छा करने की कोशिश करते, फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे से कमी हो रही है, लेकिन हम बहुत कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत चीज़ें अपने लिए कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को कुछ नसीब नहीं हो रहा, खाना पानी तक नसीब नहीं हो रहा, घास घास खा के यार उन लोग रोज़ा खोल रहे हैं। मेरा ये वीडियो को यहीं पे ऐड करूँगी, जितने लोग भी देख रहे हो प्लीज़ दुआ करो,
कलिस्तीन के लिए, और जहाँ जहाँ से हेल्प हो सकती है जैसे जैसे स्कैनर, लेकिन पता करना कि वो सही है कि नहीं, तभी आप लोग उस स्कैनर पे करके ही सपोर्ट करना, जहाँ से भी जैसे भी मदद हो सके आप लोग करिए। और अगर आप लोग कोई चीज़ जानते हो जहाँ से हम लोग भी घर बैठे मदद कर सकते हैं या किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना, लिंक दे दो अगर आप लोगों को पता है तो, या मैं तो ढूंढूंगी, मुझे पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। पर प्लीज़ जितना हो सके सारी वीडियोस को शेयर करो, जितनी भी फलस्तीन की वीडियोस आ रही है, एंड जितना हो सके जहाँ जहाँ से हो सके प्लीज़ सपोर्ट करो, और बहुत सारी दुआएं करो अपनी अपनी नमाजों में। और प्लीज़ मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं बस हुआ कि मैं अपने ब्लॉग के जरिए शेयर करूँ चीज़ें, तो मैं कर रही हूँ, जिससे जिससे जो जो बन पड़ता है करो, प्लीज़ करो। हम लोग बिल्कुल भी उनके बोलते ना उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, हम लोग यहाँ इतने ऐशो आराम से हैं, इतने अच्छे से हैं, खा रहे पी रहे हैं, इत्मीनान से हैं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। और वो लोग वहाँ घर तोड़े जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको पता ही, आधे से ज़्यादा लोगों को सब वीडियोस देखते ही हैं। पर मैं आज देखते देखते जब एक फीड में आप एक वीडियो देख लेते हो ना, तो फिर उसी से रिलेटेड वीडियोस आती है, और वो इतनी सारी वीडियोस देख ली ना कि मैं स्पीचलेस, बोलते ना कुछ बोलने के ही लायक ही नहीं है, पर कुछ नहीं है। पर प्लीज़ गाइज दुआ करो और सपोर्ट करो बहुत सारा फिलिस्तीन के लोगों के लिए, जो जो आर्मी, इंडियन आर्मी पूरी वो लोगों के लिए दवाएं लेके और खाना पानी सारी चीज़ों का इंतजाम करके गई है। और सो गाइज अगर मुझे पता चलेगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी, बता दूंगी आपको आने वाले व्लॉग्स में कि फला फला जगह से हेल्प हो रही है या ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ आप मेरे को यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा या तो इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा मैसेज में, तो जो हमसे भी बन पड़ेगा हम भी करेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन बस आज ये सब चीज़ देख के ना मतलब ऐसा लगे कि लाइफ ख़त्म है यार, कुछ नहीं है। जब हम लोग अभी खड़े नहीं हो सकते ना, तो लाइफ में हम लोग कभी अपनी कौम के लिए खड़े नहीं हो सकते। तो जितने लोग देख रहे हो प्लीज़ शेयर करना, और जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट करना, और मेरा वीडियो भले शेयर करो मत करो, जितना फलस्तीन के वीडियोस आ रहे ना उसको हर जगह सपोर्ट करो, जितने भी इसराइल के ब्रांड्स हैं ना उसको बॉयकट करो, जितने भी ब्रांड्स वहाँ के हैं और जिनको बॉयकट करना है उसका भी मैं एक क्लिप लगा दूंगी लास्ट में, आप लोग देखिए। जिनको नहीं पता उनको बताइए कि ये प्रोडक्ट सब इस्तेमाल नहीं करने, उससे बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है, उससे उन लोगों का स्टॉक गिर सकता है शेयर मार्केट में, और उन लोगों का नुकसान ही होगा। मतलब वो जिस बोलते ना पैसा जिस चीज़ों से वो लोग कमा रहे हमसे ही कमा रहे, और हमारे ही लोगों पे जो जुल्म ढा रहे हैं ना उस पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं उसका भी एक क्लिप डालूंगी, तो आप लोग जैसा आप लोगों को ठीक लगे बॉयकट करिएगा। और मेरे पास अभी बिल्कुल भी शब्द नहीं है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगी तो उसमें जैसा भी हो सकेगा मैं आगे का आप लोगों को बताऊँगी इसके बारे पर कि कैसे क्या कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए बाय बाय।